दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बैकग्राउंड इमेजेस को प्लेस करना सीख लिया। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टाइल सरफेस से उसकी मेन सरफेस को कैसे बनाएं। अब किसी भी पार्ट में मेन सरफेस कौन सी हो सकती है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम उस पार्ट को कहाँ से बनाना शुरू करें। तो अगर इस माउस की बात है, तो जैसे इस माउस को आप देखें तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर हम इसकी स्टॉप वाली सरफेस को पहले बना दें, देन उसकी ये साइड वाली सरफेस को बनाना काफ़ी आसान रहेगा। देन हम सबसे पहले इसकी टॉप सरफेस बनाएंगे। अब टॉप सरफेस को बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे जैसे इसका अगर हम ये वाला जो कर्व है आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए हमें इस कर्व की ज़रूरत पड़ेगी एंड इस कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों कर्व से, जो कि एक नीचे से जाके ऐसे आएगा एंड साइड में जाके ऐसे नीचे जाएगा, तो ये दो कर्व मेन कर्व हो गए। सबसे पहले इन दोनों मेन कर्व्स को बनाना पड़ेगा, देन इन कर्व को ऐसे मैच कराना पड़ेगा ये, एंड लास्ट में ऐसे। तो ये पूरे ही तरीके से क्लोज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देन अब इसको पूरे बाउंड्री कर देंगे, तो इनके बीच में एक ऐसे 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 सरफेस बन जाएगा। देन यही हमारा मोटो है कि इन चारों कर्व की डिजाइन को कैसे बनाएं स्टाइल सरफेस से। तो इस इमेज को हाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये सरफेस हमने तैयार कर रखी है, पहले से बना रखी है, एंड इसको बनाने के लिए हमने स्टाइल का यूज किया है, एंड यहाँ पे रही स्टाइल। तो अभी हम उस कंडीशन में चलते हैं जहाँ पे हमने इस स्टाइल को बनाया था। तो अगर आप इस स्टाइल को एडिट करें, एडिट डेफिनेशन, तो यहाँ पे स्टाइल का एक विंडो मिल जाएगा। देखिए ऊपर ये यहाँ पे स्टाइल का मिल जाएगा, स्टाइल्स टू में 1, 2, 3, 4, 5, कुल मिला के 5 कर्व हमने बनाए हैं, एंड इन पांचों कर्व को मिला के सरफेस से एक सरफेस क्रिएट कर दिया है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप वाइज स्टेप सीखेंगे कि इसे हमें बनाना कैसे है। तो चलिए अभी हम बाहर निकलते हैं यहाँ से, और इस सरफेस को हम हाइड कर, पहले एक बार आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो अगर इस स्टाइल सरफेस में चलें एंड हम क्वाड व्यू को एक्टिवेट करें, तो आप देख लेंगे कि किस तरीके से ये सरफेस हमने बनाई है। एक्चुअली में इसका जो स्केच है उसके स्केच से थोड़ा सा डिफरेंट है ये जो इसका कर्व है, क्योंकि अब जैसे स्केच बनाया जाता है एंड उसको जब पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो स्केच बनाया है सेम टू सेम उस स्केच के जैसा ही पार्ट बन जाए। तो थोड़ा बहुत नॉमिनल 19-20 चेंज चलता है, एंड देन हम उसको अपने एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने नीड के हिसाब से। तो यहाँ से हम बाहर चलते हैं और इस पूरे सरफेस को हाइड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। ओके, तो ये आपको सिंपल से प्लेन दिख रहे हैं एंड जिनमें इमेजेस प्लेस हैं। तो अब फिर से स्टाइल में चलेंगे। स्टाइल में आने के बाद देखिए, पिछली बार क्वाड व्यू लगाया था तो ऑटोमेटिक क्वाड व्यू हो गया, तो यहाँ से क्वाड व्यू एक्टिवेट होता है। तो आप इसे एक्टिवेट कर दीजिए इस क्वाड व्यू को। ओके, एंड अगर कोई भी व्यू अगर ज़्यादा जूम हो जाए, सपोज दैट ऐसे हो गया, तो उस व्यू में ऐसे क्लिक करने के बाद वहाँ से जूम टू फिट कर देंगे, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट जूम टू फिट हो जाएगा। जिस भी विंडो में क्लिक करके जूम टू फिट कर देंगे, वो जूम टू फिट हो जाएगा, एंड जिस विंडो में क्लिक करके यहाँ से उसका व्यू चेंज कर देंगे, वो उसी व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें सपोज दैट क्लिक करके हमने यहाँ से टॉप व्यू कर दिया, तो ये टॉप व्यू हो जाएगा, या फिर ऐसे रोटेट कर देंगे तो रोटेट हो जाएगा, ये लॉक्ड नहीं है ये व्यू। अब हमें सबसे पहले, आपने अगर स्टाइल के वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे आपको कर्व मिलते हैं, तो सबसे पहले हमें कर्व बनाना है। तो कर्व की ये विंडो है, यहाँ पे आपको कर्व, आर्क, सर्कल, तीन टाइप के ऑब्जेक्ट मिलते हैं कर्व बनाने के लिए। तो हम सिंपल कर्व लेते हैं, ऑप्शन कर्व ऑप्शन ले लिया। देन अगर टॉप वाला बनाना है, तो टॉप बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस कर्व को बनाते हैं जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आएगा, ऐसे ये चीज़ बनानी है सिंपल। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन बन जाएगी टू पॉइंट्स के बीच में। तो ये हमने बना लिया। इतना करने के बाद ओके करेंगे एंड ये कर्व सिलेक्ट है। इतना करने के बाद आप, अच्छा, जब कर्व बनाएंगे तो मेक श्योर कि आप ये वाला ऑप्शन रखेंगे, ओके, पहले वाला। ना प्लेन में बनाना है ना सरफेस में बनाना है, हमको फ्री कर्व बनाना है, यानी ये 3D इससे हम बना पाएंगे। ओके, अब हम इस कर्व को सिलेक्ट करके एडिट करेंगे। तो ये देखिए एडिट में आ गए, अब हम इस कर्व को एडिट कर पाएंगे। देखिए जब हम कर्व की फॉर्मेशन करते हैं, जब कर्व को बनाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हम बना पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने के लिए हमें बनाने के बाद एडिट विंडो में आना पड़ेगा, एडिट टूल लेना पड़ेगा। अब यहाँ से हम इस पूरे कर्व को एडिट करेंगे।
इस कर्व को एडिट करने के लिए पहले इसको एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पे है। अब ये तो टॉप से देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक सही जगह पे प्लेस हुए हैं, लेकिन अगर इन्हीं पॉइंट को हम साइड से देखें तो एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, एक पॉइंट ऊपर होना चाहिए था। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है जबकि इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, तो इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर प्लेस कर देंगे। ये प्लेस हो गया, ओके। इतना करने के बाद जैसे इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आप इसको सिंगल व्यू भी कर सकते हैं एंड यहाँ से राइट, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। तो देखिए इस पॉइंट पे हमने ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है, ये कर्व आपको ब्राउन दिखेगा लेकिन यहाँ पे एक हैंडल दिखेगा ग्रीन टाइप का। तो इस ग्रीन हैंडल को ऐसे पकड़ के ऊपर की ओर करेंगे एंड इस साइड आने के बाद इस ग्रीन हैंडल को ऊपर की ओर करेंगे एंड मैच कराएंगे इस प्रोफाइल को। चलिए अब फिर से क्वाड व्यू में चलते हैं। तो ये कर्व हमने इस टाइप से बना दिया। ऊपर से देखेंगे तो अभी भी ये सीधा है जबकि ऊपर से ये कर्व ऐसे होना चाहिए था। तो फिर से इस पॉइंट पे क्लिक करके इस हैंडल को ऐसे करेंगे और इस हैंडल पे ऐसे क्लिक करके इसे इस तरीके से टर्न करेंगे तो ये कर्व ऊपर से देखेंगे तो ऐसा है, साइड से देखेंगे तो ऐसा है। अब ये 3D कर्व बन गया, इसे ओके कर देंगे एंड देखेंगे तो ये देखिए 3D कर्व बन चुका है। ये कुछ इस हिसाब से बनेगा हमारा कर्व, ओके। देन अगेन क्वाड व्यू, क्वाड व्यू की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें चारों तरफ से एक साथ देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे आप जूम करें तो कुछ इस हिसाब से एक कर्व बन रहा है, ओके। ये देखिए अब इसे फिर से आप एडिट कर सकते हैं, इसमें क्लिक करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा या फिर आप उसे सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसमें और रिफाइनमेंट करनी है तो इस पॉइंट पे क्लिक करके इसे और रिफाइन कर सकते हैं एंड और ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की वजह से काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड ऊपर से भी देख लीजिए तो आप देखेंगे ऊपर से देखने पे ये वाला पॉइंट स्केच के बाहर चला जा रहा है जबकि यहाँ पे है। तो ये हमारे स्केच में 19-20 चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है तो उस पर इतना ध्यान ना दीजिएगा, ओके। अब सही है, कमांड से बाहर आते हैं देन अगेन एक न्यू कर्व बनाते हैं यहाँ पे क्लिक करके और वो कर्व भी इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट तक आएगा। तो ये कर्व बना दिया देन कमांड से ओके, बाहर चलने की बजाय हमने कैंसिल का बटन प्रेस कर दिया, ये बना लिया। इसके बाद ओके, इतना करने के बाद ये सिलेक्ट है देन एडिट कर, एडिट कर में आने के बाद चलिए इसका पहले हम टॉप एडजस्ट कर देते हैं, ओके। एंड इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए टॉप से देखने पे तो एडजस्ट हो गया, क्या है साइड से देखने पे एडजस्ट हुआ है? नहीं, साइड से देखने पे एडजस्ट नहीं हुआ। तो इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो हाईलाइट होगा कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ओके। एंड कहाँ पे है समझ में नहीं आ रहा अभी, ये है वो पॉइंट, अच्छा ये है। तो आप इसे पकड़ के ऐसे ऊपर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट देखेंगे ऊपर से शुरू हो रहा है। कोई भी माउस अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ये वाला कर्व यहीं से ना शुरू हुआ है ना कि नीचे से, अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा लेकिन पहले वाली कर्व से काफ़ी पीछे है। सिमिलरली हमने उसे ऊपर की ओर कर दिया देन इस वाले पॉइंट पर ऐसे क्लिक करके इस पॉइंट को भी ये कर दिया, ये कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब आप इस फ्रंट वाली इमेज से देखेंगे तो पाएंगे कुछ ज़्यादा ऊपर की ओर उठा हुआ है, अगर इसे नीचे करते हैं ओके। अब ये काफ़ी हद तक सही है साइड से देखने पे, क्योंकि जो कि ये वाली प्रोफाइल है वो ये वाली फ़ोटो है वो इस तरफ से ली गई है, तो इस तरफ से फ़ोटो ली गई है तो सिर्फ यही वाली प्रोफाइल दिख रही है, पीछे वाली तो दिख नहीं रही। तो पीछे वाली प्रोफाइल थोड़ा नीचे है इसलिए इस कर्व को हमने थोड़ा नीचे रखा है इस इमेज के हिसाब से और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, ओके। अब सही है, ये एडजस्टमेंट करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है।
ये चीज़ यहाँ से देखनी पड़ेगी, ये कर्व हमारा ओके यहाँ पे ठीक लग रहा है। आपको चारों तरफ ही सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ध्यान देना पड़ेगा। आप सही है, ये कर्व बना लिया जो कि अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। ये वाला कर्व भी फॉलो कर रहा है, ऐसे भी फॉलो हो रहा है, एंड ये अब इसे ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, एक व्यू में चलेंगे। तो आप देखेंगे हमने दोनों कर्व को बना लिया है। अब बात करते हैं इनको मैच कैसे कराएंगे। मैच कराने के लिए हम यहाँ से फिर से कर्व लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिफाइन पॉइंट फॉर द कर्व शिफ्ट टू स्नैप। अगर शिफ्ट की होल्ड करेंगे तो ये स्नैप करेगा, ये जो कर्व है। देन आपको शिफ्ट की होल्ड करना है, एंड जैसे ही शिफ्ट की होल्ड कर लेंगे ना, ये देखिए इसके पास जाते ही प्लस का आइकन आ जाएगा। ये देखिए माउस के पास, देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन बन गया। दूर जाएंगे तो नहीं बनेगा, जैसे ही पास जाएंगे बन जाएगा, क्योंकि हमने शिफ्ट की होल्ड कर रखी है। देखिए माउस के पास शिफ्ट कंटिन्यू बना है, शिफ्ट हटा देंगे तो प्लस का साइन नहीं बनेगा। प्लस इट मीन शिफ्ट होल्ड करके वो ये बता रहा है कि आप इस कर्व पे स्नैप कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे वो इसी कर्व पे पॉइंट जाएगा, ये देखिए। देन शिफ्ट की होल्ड करके इस पॉइंट पे कहीं पर भी ऐसे क्लिक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी, एंड ओके। इसके बाद एडिट कर्व, एडिट कर्व में जाने के बाद क्वाड व्यू, क्वाड व्यू में आने के बाद अब हम टॉप इस वाले व्यू में चल के थोड़ा सी से जूम आउट करते हैं और यहाँ पे जूम करते हैं। तो आप इस कर्व को ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पर से पकड़ के आगे की ओर लाएंगे, और वो पॉइंट इस कर्व के एंड पॉइंट तक ही आएगा। और ये करना बहुत ज़रूरी है, इसको एकदम एंड पॉइंट पे लाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कर्व एकदम एंड पॉइंट पे पहुँच चुका है। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट काफ़ी आगे है इस पॉइंट की अपेक्षा। इट मीन ये जो कर्व हमने F13 बनाया था, इसे थोड़ा सा और पीछे होना चाहिए था। तो चूंकि हम एडिट विंडो में हैं, इस विंडो में ज़रूरी नहीं है कि जो अभी कर्व बनाया है वही एडिट हो सकता है। हम किसी भी कर्व को क्लिक करके उसको एडिट मोड में जा सकते हैं। अब हम इस कर्व के एडिट मोड में चले गए जो कि इससे पहले बनाए थे। अब उसी कर्व के इस पॉइंट को पकड़ के उसे हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत आगे तक नहीं आया। ये सही तरीका है ओके। एंड इस कर्व को एडिट करके इसे थोड़ा सा और आगे की ओर कर देते हैं ये। अब चलिए अब थर्ड कर्व को क्लिक करके उसे एडिट करते हैं चल के। अब उसके इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे जैसे ही जाएंगे उसके लिए हमें इस कर्व के लिए इस पॉइंट पे हैंडल मिलेगा, और उस हैंडल से उसकी फ्रंट प्रोफाइल एडिट करेंगे। ये देखिए ये प्रोफाइल बना दी। अब ये तो टॉप से देखने पे लग रही है, अब ये प्रोफाइल साइड से देखने पे देखिए कैसी लग रही है, कुछ ऐसी लग रही है ना, एंड फ्रंट से देखने पे ऐसी लग रही। तो आप देखेंगे फ्रंट से ये प्रोफाइल एग्जैक्ट पैरेलल है, इट मीन ये ऊपर और नीचे नहीं है, ये दोनों कर्व एक सीध में होने चाहिए, ये कर्व एक सीध में होने चाहिए। तो चलिए इस पॉइंट पे क्लिक करके इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। तो इस कर्व को एडिट करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, इस कर्व को एडिट करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, ओके दैट्स फाइन। अब थर्ड कर्व को क्लिक करके इसके इस पॉइंट पे क्लिक करके इसका हैंडल मिल जाएगा। तो अब इस हैंडल को हम सही से एडिट कर देते हैं, ये सही तरीका है। पूरे इंटरनेट में इस तरीके से कर्व स्टाइल सरफेस को किसी ने नहीं समझाया। तो ये बहुत इत्मीनान से देखिए, वीडियो बड़ा हो तो इसकी टेंशन ना लीजिए, बस आप अच्छे से देखिए, एंड मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे करते हैं। चलिए एंड ये कर्व कुछ ऐसे बना है, टॉप से देखने पे ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे एक बटन मिलेगी आपको, ये देखिए, इससे आप इसका देख सकते हैं कि इसका कर्वेचर कैसा है। तो कर्वेचर देखने वाली ये बटन है, एंड ओके। अब सिंगल व्यू कर देते हैं। अब यहाँ से हमने तीन कर्व बना लिए, वन सबसे पहले इसे बनाया, फिर इसे बनाया, देन इसे बनाया, तीन कर्व हो गए। देन फोर्थ कर्व यहाँ पे बनेगा,
तो फिर से वही करो लिया, मेक श्योर कि ये करो फ्री हो, फ्री करो ले लिया, जूम करेंगे यहाँ पे, शिफ्ट की होल्ड करेंगे एंड इस कर्व पे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, देन शिफ्ट की होल्ड करके इस कर्व पे कहीं पे क्लिक कर देंगे, देन ओके एंड देन अगेन एडिट करेंगे इस कर्व को, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे नीचे ले जाएंगे जब तक वो लास्ट में ना पहुंच जाए, एंड देन अगेन इसको भी एकदम नीचे ले जाएंगे। इतना करने के बाद इसके हम टॉप व्यू में चलते हैं, टॉप व्यू में आने के बाद इसे एडिट करते हैं। एक्चुअली में ये वाला जो कर्व है थोड़ा पीछे की ओर है, ये वाला कर्व है थोड़ा आगे की ओर है, तो अभी ये दोनों कर्व ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो इस कर्व को क्लिक करके इसके इस पॉइंट थोड़ा सा आगे की ओर ले जाते हैं। हमें काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ता है किसी प्रोडक्ट को बनाते समय, क्योंकि ये पूरा एक आइडिया बेस्ड रहता है, मतलब आपके जस्ट इमेजिनेशन पे बेस्ड है आप किस हिसाब से उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन देना चाहते हैं। ओके, यहाँ से इसका कर्वेचर देख लेते हैं, ये देखिए इसका कर्वेचर है। अभी अगर कर्वेचर छोटा दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, आप व्यू में चलेंगे, एनालिसिस में चलेंगे, यहाँ से कर्वेचर में आएंगे, यहाँ से कर्वेचर की जो स्केल है आप उसे बढ़ा सकते हैं। ओके, हाँ, बड़ा करने पे कर्वेचर की स्केल हमें अच्छे से समझ में आती है। ओके, क्यों नहीं हुआ, फिर इसके बाद व्यू, इसके बाद देन अगेन स्टाइल में आएंगे, यहाँ से हाई डाल कर देंगे एंड देन अगेन हम इस कर्व को एडिट करेंगे चल के। अब फिर से इस कर्वेचर देखेंगे तो फिर से बड़ा कर्वेचर दिखाएगा। एक्चुअली में जो पुराना कर्वेचर था पहले उसको हाइड करेंगे, देन कर्वेचर व्यूज एनालिसिस में जाके कर्वेचर के स्केल को बड़ा करेंगे, देन अगेन कर्वेचर लगाएंगे, तो ये कर्वेचर बड़ा दिखेगा। अभी इसका कर्वेचर मैं समझा देता हूँ आपको, तो देखेंगे जो ये वाला पॉइंट है, कलर अच्छा नहीं है, जो ये वाला पॉइंट है देखेंगे यहाँ पे जो कर्वेचर है थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी प्रोफाइल कुछ ऐसे बन रही है, ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, जबकि हम चाहते हैं इसकी प्रोफाइल एग्जैक्ट ऐसे हो, ये चीज़ चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें इस कर्व में इसके हैंडल को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ओके, ये वाला प्रोफाइल चाहिए था हमको, ये सही है, परफेक्ट है, तो इस टाइप से हमें प्रोफाइल चाहिए था। चलिए अब इसका हम राइट व्यू देख लेते हैं, राइट व्यू एक काम करते हैं, एक काम हम ये करते हैं कि इस कर्व को एडिट करते हैं और इस पॉइंट को हम स्नैप कर देते हैं इस प्लेन पे, जो बेस प्लेन है ना, ताकि ये इस बेस प्लेन को टच करे ये पॉइंट, तो आप इस पे क्लिक करिए, इस पॉइंट को शिफ्ट के साथ इसी प्लेन पे ले जाइए, देन अगेन इस पॉइंट को सिलेक्ट करिए, इस पॉइंट को शिफ्ट के साथ इस प्लेन पे ले जाइए, तो ये प्लेन पे आ गया। अब इस कर्व को एडिट करिए और इस कर्व को प्लेन पे कर दीजिए, इस प्लेन पे ऑटोमेटिक हो चला गया, अब ये एकदम सही है। अब फिर से टॉप व्यू कर लेते हैं एंड ये प्रोफाइल भी सही है, क्योंकि अब साइड से देखेंगे तो पूरा कर्व एकदम प्लेन पे ही नज़र आएगा, ये देखिए यही चीज़ चाहिए थी हमको। अब कमांड से बाहर चलेंगे, ये चीज़ बना ली। अब देखिए, अब जैसे ये हमें हमेशा दिखेगा जो ये कर्वेचर है, इसको हाइड करने के लिए आप यहाँ पे हाइड ऑल बटन है ना, इस बटन पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो फिर ये गायब होगा। अब अगर इन बैकग्राउंड के प्लेन्स को हाइड करना है तो व्यू में जाएंगे, मॉडल में जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे, यहाँ पे तीन इमेजेज हैं, इनमें चाहे किसी भी इमेज में जाके इनको हाइड कर लेंगे, हाइड ऐसे, तो वो इमेज हाइड हो जाएगी, ये चीज़ें उनको हाइड करने के लिए, देन अगेन इमेजेज जो कि स्टाइल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कर्व सरफेस की, तो इस सरफेस का रूल ये है कि आप इसके देखिए, इसके आइकन में देखिए, इसमें चार कर्व हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड के, तो इट मीन चार कर्व हमें रिक्वायरमेंट है इसकी बाउंड्री बनाने के लिए। तो रेफरेंस में चलते हैं, देखिए अभी एक एक कर्व इसका मिला है, देन कंट्रोल की होल्ड करेंगे, अगर कंट्रोल की होल्ड नहीं करते दूसरे पर क्लिक कर देंगे तो उसको छोड़ के वो दूसरे को सिलेक्ट कर लेगा, इसीलिए हम हमेशा कंट्रोल की होल्ड रखेंगे, कंट्रोल की हमेशा होल्ड करेंगे एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए, थर्ड एंड फोर्थ। कंप्लीट होने के बावजूद कर्व नहीं बना है और सरफेस नहीं बन रही है, इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इस कर्व को एडिट करते हैं।
ये देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो पॉइंट है इस कर्व को मैच नहीं कर रहा, तो चलिए इसको एडिट करते हैं चल के। तो इस कर्व में जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे कंबाइन करने का ऑप्शन आता है, यानी ये चाह रहा है किसके साथ इसे कंबाइन करें। चलिए इस पॉइंट को ऐसे होल्ड कर लीजिए, मूव करिए, शिफ्ट की होल्ड कर लीजिए एंड आप कंट्रोल जेड एक बार करिए, व्यू इसको छोटा करिए। इसे आप फिर से मूव करिए शिफ्ट की होल्ड करके, इस कर्व के साथ ड्रॉप करिए। अच्छा, कर्व के साथ ड्रॉप नहीं हो रहा, तो एक काम करिए कंट्रोल जेड करिए, प्लेन्स को हाइड कर दीजिए सारे। तो इस टाइप से आपके पास कई प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि ये कर्व को हमने इस प्लेन पे कर दिया है और ये कर्व का इंड पॉइंट इस प्लेन पे नहीं है, इसी वजह से ये पॉइंट यहाँ इसके पास नहीं जा रहा। ओके, कंट्रोल जेड करते हैं एक बार और इसको जूम करते हैं, इस कर्व को हमें इसके पास लेके आना है। चलिए इस पे राइट क्लिक करते हैं एंड ये भी किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो इस पॉइंट को ऐसे पकड़ते हैं, शिफ्ट की होल्ड करेंगे, इस कर्व पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो अगर काम ऐसे नहीं हो रहा तो हम दूसरी तरीके से कर लेंगे। देन अगेन इसके इस पॉइंट को, इस कर्व के पॉइंट को राइट क्लिक करेंगे, इसे अनलिंक कर दीजिए एक बार, तो इसको डिसकनेक्ट कर देगा। देन इस पॉइंट को फिर से शिफ्ट की होल्ड करके इसी पॉइंट के साथ लिंक कर दीजिए। तो ये तरीका सही है। हमने किया क्या, एक्चुअली में ये वाला जो कर्व है वो इसी प्लेन पे रहेगा, ये कर्व को हमने प्लेनर रखा है। जैसे इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे देखिए प्लेनर है, इसीलिए ये कर्व तो ऊपर जा नहीं सकता। अब ये कर्व है, ये फ्री कर्व है, तो इनके पॉइंट्स कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो हमने इन इनके पॉइंट्स को इस कर्व के साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब सही है। अब एक बार टॉप व्यू से देख के इनका कर्वेचर चेक कर लीजिए कि जैसा हम बनाना चाह रहे हैं वैसा बना है कि नहीं। इसका कर्वेचर होना चाहिए, ओके, इसका भी कर्वेचर सही है। कमांड से बाहर आते हैं, हाइड कर देते हैं सारे कर्वेचर को और अब सरफेस लेके इन सारे कर्व को कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए अब कोई कमी नहीं थी, इसलिए बड़े आराम से ये सरफेस बन गई है। देन कमांड से बाहर चलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर आप इसे फ्रंट से देखें, क्वाड व्यू में चलते हैं, फ्रंट से देखेंगे तो ये सरफेस ऐसे है, ना कि एकदम सिंपल सिंपल ऐसे फ्लैट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से एक कर्व बनाना पड़ेगा और वो कर्व फ्री रहेगा। हैंड शिफ्ट की होल्ड करेंगे इस कर्व के साथ, हैंड शिफ्ट की होल्ड करेंगे इस कर्व के साथ, उन दोनों को मैच कराएंगे, कमांड से बाहर चलेंगे, देन कर्व को एडिट करेंगे और इस पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट करके इसके कर्वेचर को फ्रंट प्रोफाइल के हिसाब से मैच कराएंगे। ये कुछ ये प्रोफाइल है इस कर्व की। ये देखिए कर्व बन गया स्ट्रेट और इसकी ये प्रोफाइल बन गई। साइड से देखेंगे तो वो कर्व कुछ ऐसा बना है, चाहे ठीक है, ये सही है। एंड इसका चाहे तो आप कर्वेचर देख लीजिए, कर्वेचर भी एकदम फ्लो में है। ओके, एंड हाई डाल कर दीजिए सारे कर्वेचर को। अब इस सरफेस को हमें इसके जैसा करने के लिए इस सरफेस पे ऐसे क्लिक करिए तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट डिफिनीशन का ऑप्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे सेंटर में एक कर्व की रिक्वायरमेंट है ना, यहाँ पे चल के इस कर्व को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए पूरा शेप ले लेगा इस माउस का एंड। ओके, सिंगल व्यू में आएंगे, कमांड से बाहर आएंगे तो देखेंगे ये कर्व हमने बना दिया है। अब यहाँ पर भी अगर कभी भी कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टाइल को एडिट करेंगे चल के, एंड स्टाइल में आने के बाद ये सब कुछ दिख जाएगा, कर्व एंड सरफेस। तो अगर किसी कर्व को एडिट करना है तो उस कर्व को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये वाला कर्व है, एंड राइट क्लिक करके उसे एडिट डेफिनेशन करेंगे, क्वाड व्यू में जाएंगे एंड यहाँ से आप देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है उस कर्व में, क्योंकि
कि नहीं है। अगर व्यूज में चल के इमेजेस को फिर से शो करना है तो डिस्प्ले इमेजेस एंड जो भी इमेज हाइड है उसे फिर से हाइड को अनचेक करके ओके, ताकि वो इमेज दिखने लगे। एंड ऐसे उस कर्व को आप एडिट कर लेंगे, एडिट कर में आके तो आप जैसे ही इस कर्व को एडिट करेंगे पूरा पूरा सरफेस ही चेंज हो जाएगा, टॉप व्यू है ये साइड व्यू है। ये हमने बना लिया, तो आप बताइएगा ये पूरा प्रोसेस आपको सीखने में कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि स्टाइल सरफेस के इस टाइप के पूरे वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाले। एंड यहाँ पे हम आपको कंप्लीट पार्ट डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, कंप्लीट प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, इवन ये तो माउस पहला एग्जाम्पल है, देन इसके बाद कार, एयरप्लेन या किसी भी टाइप का इर्गोनॉमिक प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।